नमस्कार, प्रणाम सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं एजेंट साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर लगातार नई से नई खबरें आप लोग देख रहे होंगे। कल की अपडेट में आप लोगों ने देखा होगा, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने सहारा भुगतान हेतु फिर से काफ़ी बड़ा अपना बयान दिया है कि जितने भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं सभी का पाई पाई भुगतान मिलेगा। ऐसी बात उन्होंने कही है, शायद आपने सुना होगा। लेकिन मैं उस बात पर अमल नहीं करूंगा, ना तो हमारे सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी अमल करने वाले हैं। सहकारिता मंत्री जी ऐसे न जाने कितनी बार वादे कर चुके हैं, लेकिन एक भी वादा क्या पूरा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। हम आज बात करने वाले हैं कि सहारा ऑफिस से होगा भुगतान, सहारा ऑफिस से कैसे भुगतान होगा, कब होगा, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाला है। काफ़ी बड़ा अब की ऐतिहासिक फैसला होगा जिससे सहारा का पेमेंट बाय द ऑफिस होगा, यानी कि ऑफिस के द्वारा सहारा पीड़ितों का भुगतान होगा। तो क्या कुछ पूरी खबर है वो आप सभी को हम संक्षिप्त में इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत, चाहे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो या किसी भी प्रकार से फंसा हो और आप लगातार अपने भुगतान हेतु अथक प्रयास भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। छोटा वीडियो रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास उचित समय पर पहुंच सके। तो आइए, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, हम बात करने वाले थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है। देखिए दोस्तों, ये बात एकदम क्लियर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्द ऑर्डर देने वाला है कि सहारा के ऑफिस से भुगतान होगा। सहारा प्रबंधन भी काफ़ी तेज़ी के साथ तैयारियों में लगा हुआ है, बस माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल जाए। इधर माननीय सहकारिता मंत्री जी फिर उछल पड़े हैं। कल की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है सहारा भुगतान को लेकर। माननीय सहकारिता मंत्री जी फिर से उछल पड़े हैं, इनका मानना है कि पोर्टल से ही भुगतान हो, लेकिन पोर्टल से भुगतान कभी नहीं होगा। पोर्टल से भुगतान अगर ऐसे हुआ तो बेचारे निवेशक भूखे मर जाएंगे, मर रहे हैं एक तरफ से कहा जाए, क्योंकि इन्होंने जब वादा किया था, क्या वो वादा उनके अकॉर्डिंग तो चल रहा है, लेकिन हम लोगों का पैसा फंसा है, जिसका पैसा फंसा है उस पर पूछिए जाकर कि उसकी क्या हालत है इस समय। ऐसे कहने को क्या कोई भी कुछ कह दे, लेकिन अगर सटीक तरीके से कार्य नहीं होगा तो क्या उसका कभी भला होगा? कभी भी भला नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्द ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है सहारा पीड़ितों के पक्ष में। बस आज 4 तारीख हो चुकी है, 4 नवंबर 2024 की डेट, और 8 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस लिस्टेड है, उसकी सुनवाई होने वाली है, और साथ ही साथ बहुत ही जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक न्यू जस्टिस की एंट्री भी होने वाली है। ये बात आपने शायद पहले भी सुनी होगी। तो देखते हैं कब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाता है और भुगतान सहारा के ऑफिस से करने का चांस मिलता है। तो यही थी आज की अपडेट, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।